ट्रैफिक पार्क झाबुआ में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। आयोजन में कलेक्टर झाबुआ श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक झाबुआ अगम जैन, CEO जिला पंचायत अमन वैष्णव सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में जानकारी दी। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस टीमों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया। वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करते रहना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से किसी को कोई हानि नहीं उठानी पड़े। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी आती है। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो यातायात के नियमों के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर उपस्थित SP साहब, CO साहब, सभी पुलिस के अधिकारीगण, सभी जागरूक नागरिक, हमारे वॉलंटियर बच्चे, पत्रकार बंधु, लगातार एक सप्ताह से सड़क सुरक्षा के संबंध में, यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता के बारे में पुलिस के द्वारा इस विशेष प्रयास किया जा रहा है और हम सब लगातार देख रहे हैं कि किसी भी जगह हो, किसी भी शहर में हो या हमारे इवन ग्रामीण क्षेत्र में हो, हाईवेज पे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम थोड़ी सावधानी से बहुत सारी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं या उसका नुकसान कम कर सकते हैं जो होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम थोड़ी सावधानी बरते हैं तो संभवतः जैसे हम देखते हैं कि सडन डेथ हो जाती है कुछ लोगों की या परमानेंट कोई अपंगता हो जाती है या और कुछ गंभीर चोट लग सकती है दुर्घटनाओं में, तो अगर सड़क पे जो लोग भी चल रहे हैं, जो भी लोग रोड पे चल रहे हैं, वो स्वयं थोड़ी बहुत जानकारी रखें और बेसिक चीज़ों का पालन करें तो हम ना केवल अपनी बल्कि अन्य जो चलने वाले हैं उनको भी काफ़ी कुछ सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। रेगुलरली हम लोग देखते रहते हैं, मतलब हम ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली यंग एज में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हेलमेट लगाना है उसका क्या फ़ायदा है, ऐसा लगता है कि एडिशनल काम है या एडिशनल खर्च है, या सीट बेल्ट की बात करें, लॉन्ग ड्राइव है या कहीं दूर जाना है, हाईवे से चलना है तो सीट बेल्ट की बात देखें। और आजकल बहुत सारे ऐसे, आपको हर जगह, नए बच्चे हैं, हर जगह ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको कि वो दिखाता है कि कैसे सीट बेल्ट लगाने से आपका दुर्घटना का कितना असर कम हो जाता है। अगर बहुत तेज दुर्घटना हुई हो, बहुत गंभीर भी हुई हो, फिर भी सीट बेल्ट लगाया हुआ है तो पूरी, मतलब उसकी एक तरह से लाइफ बच जाती है, ऐसी स्थिति आती है। तो ये जो सप्ताह मनाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जो लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें पता नहीं होता है, जानकारी नहीं है इसलिए कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जानते हुए भी करते हैं जिसको हम लोग हैबिचुअल ऑफेंडर कह सकते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो दोनों तरह के लोगों को जैसे पुलिस SP ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े हमारे ट्रैफिक वार्डन और विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल हुए विभिन्न स्कूल्स के छात्र छात्राएं और पुलिस विभाग के एवं अन्य सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, पिछले 7 दिवस से हमने सड़क सुरक्षा सप्ताह जो झाबुआ जिले में मनाया है उसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए। उसमें हमने कोशिश की कि यातायात को आम तौर पे चालान बनाने से देखा जाता है, उसी से जोड़ा जाता है। यातायात व्यवस्था बनाना है मतलब कि चालान किए जाए, यातायात व्यवस्था और उसके संबंध में जागरूकता करने का चालान बनाना तो एक भाग है ही, लेकिन उसके अलावा भी लोगों तक यातायात के नियमों को कैसे पालन किया जाता है उसकी जानकारी देना भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उसी के माध्यम से, उसी को पालन कराने के लिए तरह तरह के आयोजन किए गए, जिसमें मुख्य रूप से जब हमने शुरुआत की थी तो एक बाइक रैली के माध्यम से पूरे झाबुआ शहर में और झाबुआ ज़िले में अन्य सभी कस्बों में बाइक रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। उसी में आगे देखा जाए तो 12 तारीख को पूरे ज़िले में सभी विभागों को टास्क दिया था, उसके माध्यम से अलग अलग जगह पर स्टॉपर लगाए गए और स्पीड बम्प भी लगवाए गए। उसके बाद अगले दिन 13 तारीख को हमने इस प्रकार से टास्क का नियोजन किया कि सभी जगह ऐसी स्थान चिन्हित किए गए जहां पर आवश्यकता थी वहां पर रिफ्लेक्टर्स लगवाए गए और वाहन
उन पर रेडियम प्लेट्स लगवाई गई। इसी के साथ यातायात जागरूकता रथ, उसका भी उस दिन फ्लैग ऑफ करके शुभारंभ किया गया, जो रथ लगातार सभी कस्बे में घूमा, जहाँ जहाँ हाट बाजार होते हैं वहाँ पर घूमा, और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज भी आ रहा है। एक दिन में वो जहाँ भी घूमता है तो लगभग 1000 से 2000 लोग उसके पास में रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, उस पर जो भी नियम प्रावधान कानून घटनाएं संभावनाएं जो जो भी उस पर लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।